कई लोगों ने प्रश्न किया और कई लोग अभी तक पूछ रहे हैं कि पितृ पक्ष में भगवान की या देवी देवता की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं सब कुछ इसी वीडियो में। इतने सारे लोग आप लोग पूछ रहे हैं और इतने सारे कमेंट्स भी आए कि पितृ पक्ष में पूजा करें, ठाकुर जी की सेवा करें या नहीं करें। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं पद्म पुराण में शिव जी क्या कहते हैं। शिव जी कहते हैं अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कि संसार में विशेषतः कलयुग में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो सदा पितरों के उद्धार के लिए श्री हरि का सेवन करते हैं। बेटा, बहुत से पिंड देने और गया में श्राद्ध आदि करने की क्या आवश्यकता है। वे मनुष्य तो हरि भजन के ही प्रभाव से पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराया जाए तो वे पितर स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। ये पद्म पुराण की बात मैंने बताया, ये शिव जी कहते हैं। बाकी आप लोगों को तो संसार के लोग बताते होंगे कि पूजा नहीं करना चाहिए। यहाँ महादेव बता रहे हैं किसको, अपने सुपुत्र को, कार्तिकेय जी को। उन्हीं को स्कंद कहते हैं, उन्हीं के इस पर स्कंद पुराण इतना बड़ा बना हुआ है। तो ऐसे वक्ता हैं और ऐसे श्रोता हैं। शिव जी कह रहे हैं कि पितृपक्ष में यदि आप भगवान को दूध से स्नान कराते हैं, यदि आपके पास शालिग्राम हो, लड्डू गोपाल हो, अथवा तो सुपारी पर ही भगवान की भावना करके आप दूध से नहलाते हैं पितरों के निमित्त, तो वे स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। तो ऐसी अद्भुत महिमा है पितृपक्ष में भगवान का पूजन करने का। पितृपक्ष में विष्णु भगवान की उपासना की इतनी महिमा है कि पितर अत्यंत संतुष्ट होते हैं। भगवान के नाम का जप और कीर्तन पितरों को अत्यंत संतुष्टि और तृप्ति प्रदान करता है। इसलिए खास करके पितृपक्ष में और विशेष रूप से भगवान की पूजा करनी चाहिए, खूब बढ़ चढ़ कर पूजा करनी चाहिए। ठाकुर जी को कच्चे दूध से स्नान कराना चाहिए। मुझे लगता है कि ये विधर्मियों द्वारा या बुद्धिहीन लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया गया है कि पितृपक्ष में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए, पितृपक्ष कोई सूतक या पातक का समय नहीं है। सूतक पातक में भगवान का पूजन मना होता है, लेकिन मानसिक जप, मानसिक पूजन उसमें भी अलाउ है। तो यह सूतक पातक का पक्ष नहीं है। भगवान की उपासना, नियम, मंत्र जाप, ठाकुर जी की सेवा, उनको भोग लगाना, उनको स्नान कराना, ये सब आप कर सकते हैं पितृपक्ष में। मैंने कई शास्त्रों में देखा है कि भगवान के नाम से पितर परम संतुष्ट होते हैं, लेकिन ये कहीं पढ़ने में नहीं आया, जितना भी मैंने पढ़ा है, कि भगवान का पूजन करने से पितर नाराज हो जाते हैं। महाराज, भगवान के पूजन और नाम जप की ऐसी अद्भुत महिमा है कि पितर क्या, बड़े बड़े भूत प्रेत आदि भी मुक्त हो गए, देवता भी मुक्त हो गए, ऋषि मुनि भी मुक्त हो गए। भगवान के नाम और पूजन की ऐसी महिमा है। तो ये अब अपनी मान्यता और धारणा खत्म कर दीजिएगा ये वीडियो सुनने के बाद। और जो लोग बोलते हैं ना कि पितृपक्ष में पूजन नहीं करते हैं, उनको भी आप भेज दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, यदि आप किसी जानकार ब्राह्मण द्वारा श्राद्ध करवाते हो ना, तो ब्राह्मण श्राद्ध कर्म में विष्णु जी का पूजन जरूर करेंगे। इतनी तो अक्कल होनी चाहिए कि जब श्राद्ध कर्म में विष्णु देव की पूजा हो रही है तो पितृपक्ष में देवताओं की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा कैसे मना हो सकती है। बिल्कुल, आप जिसके भी उपासक हों जरूर आप पूजन करें। और ऐसे तिथि पर्वों की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, और दोबारा मिलना हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। हरे कृष्ण।